केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली, 50 दिन के बाद मिली राहत। आपके दफ्तर में जश्न का माहौल। 1 जून को आखिरी चरण का होगा चुनाव, 4 जून को चुनाव के आएंगे नतीजे, 25 मई को दिल्ली, 1 जून को पंजाब में होगा मतदान, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। दिल्ली के बढ़िया सीएम हमारे, बहुत बढ़िया आदमी है, कुछ नहीं किया घोटाला। जमानत होनी चाहिए उनको? हाँ जी। किस बेस पे होनी चाहिए? 50 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत है, यानी 2 जून को दिल्ली के सीएम को सरेंडर करना होगा। इससे पहले अब ये बड़ा सवाल है कि इन 20 दिनों तक अरविंद केजरीवाल क्या सियासत की गेम को बदल सकते हैं, क्योंकि 3 चरण तक तो अरविंद केजरीवाल जेल में थे और 4th चरण के बाद सीएम अब बाहर है, और 7th चरण को जब 1 तारीख को मतदान होगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसके बाद जेल में वापस चले जाएंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है। 25 मई को दिल्ली NCR में लोकसभा के 7 सीटों पर मतदान होना है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आने के बाद सियासत बदल जाएगी, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा सहारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ कृष्णा सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।